आजिर कैबिनेट मीटिंग रे तीनोटी विभाग रो आठोटी प्रस्ताव उपर विचार आलोचना होई स्वीकृति प्रदान करा दैछि। सेथिरो स्वास्थ्य विभाग रो छोटी महिला और शिशु विकास विभाग रो गोटे एवं जल संपद विभाग रो गोटे प्रस्ताव को आज कैबिनेट स्वीकृति प्रदान करछन्ति। मो गण रे अछन्ति डेवलपमेंट कमिशन कमिशन वाटर रिसोर्स एवं डब्ल्यूसीडी रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुभाष शर्मा एवं हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी सन्नी पंडित। मु प्रथमे आज जो मुख्य बिंदु जोटा हूँ महिला शिशु विकास विभाग जो कंट्राक्चुअल सुपरभाइजर आम थे 504 जन बहुत वर्ष हलानी से कंट्राक्चुअल हिसाब से रही थे से भू कि उच्च न्यायालय को जाते उच्च न्यायालय निर्देश देते से कथा विचार करने सब को आखिरी रखी आज राज्य मंत्रिमंडल से 504 कंट्राक्चुअल सुपरभाइजर डब्ल्यूसीडी अंगनवाड़ी सुपरभाइजर जो आईसीडीएस सुपरभाइजर ताको रेगुलराइज करने निष्पत्ति नहीं संपर्क सविशेष तथ्य देवाई मुपट को आस। नमस्कार। The Odisha State Cabinet today evening has approved the proposal of regularization of 504 contractual supervisors of the Department of Women and Child Development in its meeting held today. Regularization of their services will ensure the uninterrupted delivery of essential services and support to vulnerable children and women in the community covered under the ICDS program. सेमानंक संघ जरियारे मिलिथिबा दावी पत्र एवं इंटरमिनिस्टीरियल कमिटी को देइथिबे आवेदन को दृष्टि रे रखी सेमानंकु नियमित करबा लागी विचार करा जाइछि एवं एथि पई राज्य सरकारन को 18,91,00,000 वार्षिक अतिरिक्त आर्थिक बोझ बहन करबा को हेबो। ए भले नियमितकरण यानी रेगुलराइजेशन द्वारा ग्रामांचल और आदिवासी अंचल रे शिक्षित महिला मानंक निष्ठा रे सह सुपरवाइजर भावे कार्य करबा पाई अनुप्राणित हेबे जहां सेवा प्रदान व्यवस्था रो सामग्रिक विकास रे सहायक हेबे एवं एहा सेमानंक द्वारा प्रदान करा जाउथिबा सेवा गुणवत्ता मध्य रे उपरे मध्य सकारात्मक प्रभाव पकाइबो। स्वास्थ्य सचिव सलीन पंडित को अनुरोध करी विभाग जो छोटी प्रस्ताव आज हो बेसिकली कैडर रोल संशोधन हो छोटी विभाग रे छोटी सर्विस से संपर्क से अवगत करेंगे। नमस्कार। आमर आज कैबिनेट अप्रूव कले छा पारामेडिक कैडर रूल रिस्ट्रक्चरिंग एटा बहुत वर्ष गोटे दरकार होता आमर नुआ नुआ मेडिकल कॉलेज खोलाई आमर हॉस्पिटल शज्या संख्या मध्य ये बढ़ी संप्रसारण समस्त कराई तेणु आमे कोविड समय रे आमे केते नुआ आईसीयू मध्य खोली जो हायर केयर आमर क्रिटिकल केयर यूनिट जैसे खोलू आम अनुभव कलु कि बेसी सीनियर लोक ट्रेन्ड लोक स्पेशलाइज लोक आमको दरकार हूँ पर्टिकुलरली पारामेडिक्स आम डॉक्टर्स व्यवस्था अलग करूँ तो जो आमर छा पारामेडिक सपोर्टिंग कार्डर नर्सिंग ऑफिसर फार्मेसी ऑफिसर लैबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल एवं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल ये मानकर कार्डर आम अमेंडमेंट करिचु आज कैबिनेट तार अप्रूवल करिचि एवं या अनुसार आम जो 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 रिस्ट्रक्चरिंग कलु कार्डर से इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2022 से स्टैंडर्ड रे एटा आमर से फ्रेमवर्क रे आसीचि एवं इंडियन नर्सिंग काउंसिल फार्मेसी काउंसिल विभिन्न पैरामेडिक काउंसिल अनुसार करा हिचि या द्वारा आम आहुरी उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगे पारिबा लोक मानंकु एवं जो आमर कार्डर लोक अच्छा से माने मध्य करियर प्रोग्रेस पाई बेटर अपॉर्चुनिटी पाए एथरे बेसिकली आम छोटे कैडर कथा कहूँ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर
तापर हूँ रेडियोग्राफर जो मैंने सर्विस अच्छा एक्सरे टेक्नीशियन इत्यादि लैबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मासिस्ट आउ नर्सिंग सर्विस ये जो छटा सर्विस कैडर रूल परिवर्तन कराई कारण आम संख्या वृद्धि करूँ तर प्रमोशन स्कोप को टे बढ़ाई एवं जो अच्छी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड से आखिरी रखी कराई जहाँफल भविष्य में आम बेटर हेल्थ सर्विस आहरी भल स्वास्थ्य सुविधा जोगे दे पार आम सरकारी व्यवस्था भितर सरकारी हॉस्पिटल डाक्तरखाना मेडिकल कॉलेज सबुठी आम भल सुविधा जोगे पार वर्तमान आज जो शेष प्रस्ताव जोटा था जे जल संपद विभाग गोटे मानने आडभांसड इनफर्मेसन सेन्टर करोटा कहे स्टेट व्टर इनफर्मेटिक्स सेन्टर प्रतिष्ठा करने आज राज्य कैबिनेट निष्पत्ति नहीं संपर्क में अधिक जनवाई मुझे अनुरोध करी आम डेवलपमेंट कमिशनर तथा एसीएस अनुगार को अनुरोध जल संपद विभाग अधीनस्थ गोटे जल सूचना विज्ञान केन्द्र स्थापित करने स्टेट वाटर इनफर्मेटिक्स सेंटर स्थापन करने आज अनुमोदन देखते कैबिनेट ये बेसिकली उद्देश्य अच्छी जे जिते भी संस्था पाणीपाग सूचना बा जल रिलेटेड जिते भी सूचना रखुं संस्था हो डिपार्टमेंट हो से सब गोटे जगार रो दैट आम जिते बड़े को डिसीजन नौ आम पाखे कंपाइल्ड इनफर्मेसन रो तो आम ये गोटे सिस्टम करुचुआ जितिय स्तर में गोटे नेशनल वाटर इनफर्मेटिक्स सेंटर अच्छे वर्तमान आम ये स्टेट भी रो सो दैट विभिन्न स्टेट सागरे आम डेटा शेयर करू नेशनल लेवल रे शेयर करूँ और आम भितर भी जो भी डिसीजन मेकिंग अच्छे से बेसिकली सेंटर रो उद्देश्य होची आम जमी कह विभिन्न जो सूचना रोचे जो तथ्य आसूची एवं सारा राज्य निष्पत्ति सरकार नहीं अतीत सब पंचायत आम ऑटोमेटेड रेन गज और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन लगे पखापाखि 7500 जगार तीन वर्ष भितर तेणु से जो तथ्य आसो तथा आम डैम एवं सबू मीडियम माइनर रिजर्वर में तार जो इनफर्मेसन डेली वाटर लेवल रेकर्डिंग सी आसपे आमर गुड़ाए अब्जरभेसन बोरवेल अच्छे राज्य सारा 2000 पाखापाखि बोरवेल रु आम वाटर लेवल रिपोर्ट करुँ आपण मैंने जानते पंचायतराज विभाग और नगर उन्नयन विभाग से जलर गुणवत्ता उपर तथ्य संग्रह कर ता छड़ा आईएमडी सेंट्रल वाटर कमिशन एम तथ्य मध्य सब तथ्य को गोटे जगार गोटे प्लाटफर्म रखा जहाँफल आम डाटा एनालिटिक्स बेटर हे फ्लड फोरकास्टिंग ड्राउट फोरकास्टिंग वेदर बेस्ड आडभाइजरी विथ फार्मर सब जिन आम सुरखुरी से गोटे कंबाइंड प्लाटफर्म हम जो जन मानने जल सूचना विज्ञान केन्द्र सेटा को आम एस्टाब्लीश करूँ।